नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टनीजे वीडियो चैनल पर। आज हम जा रहे हैं अकाउट डैम पर, जहाँ पर अकाउट डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। फुल स्पीड में चलेंगे हम। ये हम जा रहे हैं अकाउट खुर्द गांव आएगा पहले, जहाँ पर एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल भी है, जिसे आरती क्षेत्र में कल्ला जी महाराज के नाम से जाना जाता है। ये वही मंदिर है, ये देखिए, ये वही मंदिर मंदिर है, कल्ला जी टेम्पल, कल्ला जी महाराज का मंदिर है ये अकाउत खुर्द गांव में। और ये आगे, इसके अकाउत खुर्द गांव के आगे एक परवन नदी है, जहाँ पर ये अकाउत डैम का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये डैम के तरफ का एरिया है, जहाँ पर ये इस तरह से मेटेरियल पड़ा हुआ है। और ये रास्ता अकाउत खुर्द गांव से डैम की तरफ जाता होगा। ये देखिए, ये गेट रखे हुए हैं, इनको जोड़कर गेट बनाए जाएंगे डैम के, जिससे पानी रुकेगा। ये उसी की सामग्री है, वही चीज़ है ये, जिससे गेट बनाया जाएगा। काफ़ी सारे गेट बनेंगे, शायद 15 के लमसम गेट है, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है तो इतने गेट होंगे। और ये इस प्रकार यहाँ पर कॉलोनी भी बन चुकी है, और काफ़ी लोग भी यहाँ रहने लगे हैं, मकान बनने लगे हैं, पानी कट चुके हैं। ये देखिए परवन रिवर, परवन नदी, जहाँ पर अकाउट डैम का काम किया जा रहा है। ये इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर काम जारी है। ये परवन नदी, इसका वीडियो मैंने 3 साल पहले भी बना चुका हूँ, और बीच में बना चुका हूँ, 2 बार बना चुका हूँ, ये तीसरी बार है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जब से डैम का काम स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से मैंने वीडियो बनाया था, आपको मेरे चैनल पर देख सकते हैं अकाउट डैम के नाम से। और ये तीसरा वीडियो है, ये शायद मैं 3 से 4 साल करीब हो गए मुझे यहाँ आया हूँ। इसके बाद में बीच में एक बार और आ गया था, दो साल के बाद आया हूँ, तो इतना काम हो चुका है। पहले कितना काम हो चुका था आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और इस प्रकार आप जैसे देख रहे हैं, ये गेट बन रहे हैं, अब इसको गिन सकते हैं आप कितने गेट होंगे। ये अभी तो काम जारी है, 3-4 करीब 12 से 14 के लमसम हो सकते हैं। और इस प्रकार देख रहे हैं आप, ये काम जारी है, यहाँ पर कंक्रीट डाला जा रहा है, कंक्रीट सरिये की मदद से गेट का निचले का जो हिस्सा है उसको बनाया जा रहा है मजबूत ठोस, क्योंकि पानी को रोकेगा ये। और इस प्रकार ये देखिए, कंक्रीट पंप मशीन द्वारा कंक्रीट डाला जा रहा है, स्विंग मशीन द्वारा। इस तरह से ये डैम में कंक्रीट, और ये नीचे स्टील सरिये का जाल है, इसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है, मजबूत डैम बनेगा। और ये इधर बारा जिला, कोटा जिला में पानी की सप्लाई करेगा ये, इससे काफ़ी पानी की सप्लाई हो गई। ये झालावाड़ ज़िले में अकाउत खुर्द गांव के पास अकाउत डैम के नाम से बनाया जा रहा है, परवन नदी पर। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नहर निकलेगी, जो ये सीधी इधर 100 फुट नहर बनाई जा रही है आगे, इसका भी काम जारी है। तो यहाँ से ही पानी निकलेगा, यहाँ डैम बन जाएगा, यहाँ पानी भरा रहेगा, तो यहीं से पानी छोड़ा जाएगा नहर के जरिए, और गाँव में सप्लाई की जाएगी पेयजल की और सिंचाई के लिए। और ये देखिए, इस प्रकार यहाँ पर गिट्टी के टीले खड़े किए जा चुके हैं, क्योंकि एक यहाँ पर एक पानी का ठहराव किया जाएगा, अच्छा खासा पानी भराएगा, तो चारों तरफ से अच्छी सेफ्टी की जा रही है। एक तरफ से नदी आएगी पानी, और ये तीनों तरफ से किया जाएगा, और एक तरफ से गेट लगेंगे। और अभी भी इस टाइम पर इतना पानी है इसके अंदर, और मैं जहाँ पर ये खड़ा हूँ, यहाँ पर ये फेंसिंग लगी हुई है, ये लास्ट स्टेज का गेट रहेगा यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि दोनों साइड के काम जारी है, और पानी का भी निकास रहे, बारिश के टाइम पे पानी आने लग जाता है। और ये एक्सेवेटर, सैनी का एक्सेवेटर काम कर रहा है। मशीनों की तो आवश्यकता होती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मशीनों बिना हो नहीं सकता, इसलिए कॉन्क्रीट पम्प, एक्सेवेटर सब कुछ है, या प्लांट भी लगा हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ से ये कंक्रीट लाया जा रहा है, मशीनों द्वारा काम जल्द से जल्द किया जा सकता है। जैसे अभी इसको समय लगेगा, क्योंकि
3 से 4 साल तो मुझे देखते होंगे, और अभी कितना टाइम लगेगा इस प्रकार। ये देखिए यहाँ पर डंपर एक्सेवेटर मशीन सब काम कर रही है। ये इस जगह पर पानी भरा जाएगा, और ये आप दूसरी साइड पर भी देख रहे हैं, उधर भी रास्ता है जहाँ पर ये गाड़ी चल रही है, डंपर चल रहा है, उस साइड भी चलेंगे आने वाले समय में, उधर भी जाएंगे। अभी मैं इधर आया था तो एक छोटा सा वीडियो डैम का चैनल पर अपडेट रहेगा। और एक यहाँ पर ये जिस साइड पे मैं हूँ यहाँ पर एक शायद बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है, आप देख रहे होंगे बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। पहले मैंने इसको कुछ बालाजी का मंदिर बता दिया था, बट भगवान सभी एक ही होते हैं इसलिए गलती माफ़ करें। बाबा रामदेव का मंदिर है यहाँ पर, और ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर साइड पर, यहीं से कंक्रीट मिक्स किया जा रहा है और यहीं से नीचे ले जाया जा रहा है, डैम के मजबूत बनाया जा रहा है। प्लांट लगा हुआ है डैम के प्रोजेक्ट के कार्य के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बनने दीजिए, आने वाले समय में देते रहेंगे इसका अपडेट। ये तीसरा वीडियो है मेरा अकाउंट डैम का, और आप देखते रहिए, आप लोगों का प्यार बना रहेगा चैनल पर तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी और प्रोजेक्ट का, सबका वीडियो बनाते रहेंगे अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।